हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेनिक, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, नई वैकेंसी भाई आ चुकी है। देख रहे हैं, एक के बाद एक वैकेंसी आए जा रही है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज को निकाल रहा है। तो वापस से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए देखें, मैंने तीनों, दो से तीन वैकेंसीज के बारे में जहां नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल दी थी, वो सभी एई से रिलेटेड है। और वापस से आपके पास UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वापस से वैकेंसीज निकाल दी हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग रिलेटेड। ठीक है, अब इसका नोटिफिकेशन कब आया भाई, तो कल ही ये वैकेंसी रिलीज हुई, एकदम ताजा ताजा लेटेस्ट एकदम ये वैकेंसी है। ठीक है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है 1 सितंबर 2021, यानी कि कल ही ये आपका डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो अब भाई सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं, जैसा आपको यहां पे दिखाई भी दे रहा है। तो हर एक डिटेलिंग को बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न आपको बताऊंगा, फीस क्या होगी आपके एग्जाम फॉर्म की, कब तक भरे जाएंगे, कब से स्टार्ट है, सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहीं पर आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, उस चीज को बताने से पहले आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 9:30 AM से सुबह मॉर्निंग से सोम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोपहर में जो आपकी क्लास है वो स्टील स्ट्रक्चर की है, और शाम को आपको मेरी क्लास भी मिलने वाली है जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से रिलेटेड है। तीनों सब्जेक्ट अपने आप में क्रैश कोर्स के लिए बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो भी आपके रेगुलर क्रैश कोर्स में ही कंबाइंड है। तो उन चीजों का ध्यान रखें, आप जाके अभी टेलीग्राम जो लिंक है उसको भी ज्वाइन कीजिए, और साथ में जो आपका क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च किया है उसको डेली रेगुलरली देखिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जा रही है। ठीक है, तो कितना अच्छा टाइम है कि वैकेंसी आती जा रही है और आज से ही क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, आज ही आपके सामने एक और नया मौका आपको मिल चुका है। तो शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जानना और डिटेल से। सबसे नंबर वन, पहली बात, आपको डिपार्टमेंट का नाम पता चल चुका है, उत्तराखंड पब्लिक लोक सेवा आयोग, यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पे जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी आई है उसको इंडिया का कोई भी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है वो सभी इस एग्जाम के लिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई है, चाहे वो इंडिया के कोई भी कॉर्नर से हो। बस ये होगा कि उत्तराखंड के जो रहने वाले स्टूडेंट है, उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा इसमें कंफर्ट जोन मिलेगा। तो और जो अदर स्टेट है उनको सभी को, चाहे वो SC हो, ST हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपको हमेशा उसमें एज अ जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। ओके, शुरुआत करते हैं। तो नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि 1/9/2021 को निकला था। नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है भाई, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टोटल है 154। कितनी है? 154 वैकेंसीज हैं टोटल, लेकिन इसमें से जो आपकी 80-90% जो वैकेंसीज हैं वो कहां से हैं? सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। अगर मैं थोड़ा सा आइडिया एक बार दे देता हूं आपको, तो आप नोटिफिकेशन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, ज्वाइन करें चैनल को। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट और सारे टीचर्स वहां पे मौजूद हैं जो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें। तो ऑलमोस्ट 135 से 140 जो वैकेंसीज हैं इन टोटल 154 में से, वो ओनली सिविल इंजीनियरिंग की हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है गवर्नमेंट ने, हर एक स्टेट गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके दे रही है आपको गवर्नमेंट सेक्टर चूज करने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी पता चल गई। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जो नोटिफिकेशन आया उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ओके, आगे बात कर लेते हैं भाई, एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट है? तो एग्जाम फॉर्म कल आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 1 सितंबर से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और ये आपके 21 सितंबर 2021 तक आप इनको फिल कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है, ये स्टार्ट डेट है। ठीक है, यानी कि अभी ज्यादा टाइम नहीं दिया है, जैसे हर एक स्टेट आपको एक महीने का टाइम देता है, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली 20 दिन का टाइम दिया है। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, फॉर्म को आज ही फिल कर देना। ठीक है, बहुत महंगा फॉर्म नहीं है तो इसीलिए इजीली इसको आप भर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सर 10 फॉर्म भरे हैं इसमें 10 की बहुत ज्यादा फीस है, तो यहाँ पे फीस नहीं है आपकी ज्यादा। फीस के लिए मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा फॉर्म की फीस क्या होने वाली है। नेक्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो सिंपली इसमें आप बीटेक जो स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास आज हाथ में डिग्री है वही अप्लाई करेंगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास फाइनल ईयर में है तो आपके पास 21 सितंबर
2021 तक आपके पास में फाइनल मार्कशीट या फाइनल डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपके पास बीटेक की कंप्लीट डिग्री ही होनी चाहिए। तो दोनों क्राइटेरिया जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डाउट होता है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट थिंग इज एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे जो होगी वो 21 ईयर से लेके 42 ईयर तक होने वाली है, यानी कि 21 साल अगर आपकी 21 साल से लेके और 42 साल की एज तक आप इस फॉर्म को, अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी एसएससी जेई सेक्टर में है या फिर किसी एक जेई सेक्टर में है उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि वो इस एग्जाम को इजीली टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स हमने फ्री में स्टार्ट कर दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और टाइमिंग भी इस तरीके से है कि आप कोई भी क्लास ज्वाइन करेंगे, मॉर्निंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टरनून में और इवनिंग में, साथ में क्वेश्चन सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्म फिलिंग कॉस्ट, ठीक है, एज लिमिट समझ में आ गई। नेक्स्ट इज फॉर्म फिलिंग कॉस्ट। तो फॉर्म फिलिंग जो कॉस्ट है दैट इज यहाँ पे लिखा है मैंने अनरिजर्व या फिर कहूंगा जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी की जो कैटेगरी में जो फॉर्म फिलिंग कॉस्ट है वो आपकी 250 रुपीज है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है वो क्या है, आपके सर्विस टैक्सेस है यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। उनको लगाने के बाद में ये जो आपकी फॉर्म की फीस है वो है 276.55 रुपीज। ओके, सेम टू सेम एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये ओनली 126.55 रुपीज है। तो देख रहे हैं कितना कम इसकी, और कोई भी, चाहे मैं इसकी बात नहीं कर रहा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की नहीं, कोई भी आपका लोक सेवा आयोग है जब भी कभी वैकेंसी निकालता है तो उसकी जो फॉर्म फीस है वो बहुत ही कम होती है। तो इस मौके को भाई बिल्कुल मत छोड़िए आप। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे मैंने दो ही कैटेगरी को बताया है कि इन कैटेगरीज की जो फॉर्म फिलिंग फीस है वो इतनी है, लेकिन जैसे आप दिव्यांग जो लोग हैं या फिर जो अदर कैटेगरी में जो लोग आते हैं लोअर कैटेगरी में, उनको यहाँ पे कोई फीस फिल नहीं करनी है। फॉर्म में आप जाके डिटेल देख सकते हैं नोटिफिकेशन में टेलीग्राम के थ्रू। एग्जाम सेंटर्स की बात करूंगा तो टोटल 19 एग्जाम सेंटर्स इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग इन यहां से 19 जो सेंटर है, 19 जो सेंटर है, यहां से अपना सेंटर आप जब फॉर्म भरेंगे तब फिल करते टाइम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैलरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सैलरी। तो यहाँ पे देखो सैलरी कितनी है इसकी, 56,100 से लेके 177,500 रुपीज तक आपकी सैलरी यहाँ पर लिखी गई, और ये बहुत एनहेंस सैलरी है, ठीक है। बाकी स्टेट एई को अगर मैं देखता हूँ उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी सैलरी है, और ऐसा नहीं है कि 56,000 से स्टार्ट होगी। आप अगर इसको पूरा एकदम ध्यान से अगर आप देखेंगे तो टोटल मिला के ऑन एवरेज जब आप स्टार्ट करेंगे इस जॉब को तो आपकी जो सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट 80,000 to 85,000 होगी। सारे जितने भी भत्ते मिलते हैं, जितने भी आपको एचआरए वगैरह जो भी कुछ भी मिलता है उन सभी को मिला के ऑलमोस्ट 78,000 या 85,000 के समथिंग आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है। तो देख सकते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये आगे इन फ्यूचर आपके जरूर इसको कंसिडर करना पड़ेगा। आज जरूर आप ओनली इस एग्जाम के टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें एक मोटिवेशन जरूर आपको देंगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये तो हुआ भाई कि फॉर्म की नोटिफिकेशन कब आई थी, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, एग्जाम कब, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब खत्म हो जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म फिलिंग कॉस्ट क्या है, एग्जाम सेंटर कितने हैं, सैलरी कितनी होगी। अब बात आती है कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है www.upsc.gov.in के ऊपर, और आपको यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन, आपको सारी सारी डिटेल्स और फॉर्म फिल करने का जो फॉर्म है वो यहीं से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन इसका फिल कर सकते हैं। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हर एग्जाम के बारे में आपको, अगर स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखिए एग्जाम पैटर्न दो फॉर्म में आपका होने वाला है, इसको ढंग से समझिए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को फर्स्ट से समझिए, ये जो एग्जाम पैटर्न है ये आपका दो फॉर्म में होगा, फर्स्ट इज रिटन एग्जाम एंड सेकंड इज द इंटरव्यू, ठीक है। पहले रिटन टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, देन उसके बाद इंटरव्यू आपको 100 मार्क्स आपको लिखना है। अब इस रिटन टेस्ट के अंदर भी आपके दो पार्ट है, एक तो है आपका हिंदी इंग्लिश और जीके। क्या लिखा है मैंने, रिटन टेस्ट भी दो पार्ट में होगा, एक में तो हिंदी इंग्लिश और जीके का पेपर आएगा और दूसरे पार्ट में आपका सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आएगा, ठीक है। अब हिंदी ऐसा नहीं है, नीचे एक चीज देखें आप, यहाँ पे मैंने इस चीज को इस तरीके से कुछ लिखा है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे बनाऊंगा तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हिंदी के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, सेम टू सेम इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, ठीक है। तो तीनों के, हिंदी के भी 100 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 100 क्वेश्चन और जीके के भी 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का है, एक नंबर का है,
इस चीज को आप ध्यान से देख लें कि एक जो क्वेश्चन है वो ओनली एक नंबर का है, ओके, और टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे 100 हो गए। टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे, क्या लिखा हुआ है 2-2 घंटे का टाइम है, सिंपल सी इसी बात समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हिंदी इंग्लिश और जीके आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हिंदी के, 100 इंग्लिश के और 100 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, टोटल मार्क्स 100 हो चुके हैं और ड्यूरेशन इसकी 2.5 घंटे, सॉरी ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स की है। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर होगा वो 2 फॉर्म में है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और पेपर 2 की फॉर्म में होगा। अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आपके 180 क्वेश्चन, यानी कि 2 पेपर है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो दोनों में 180, पेपर 1 में भी 180 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 के अंदर भी 180 क्वेश्चन होंगे। अब एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। इसका मतलब टोटल मार्क्स जो हुए पेपर 1 के अंदर भी 360 हुए और पेपर 2 के अंदर भी 360 हुए। वापस से समझ लें, हिंदी इंग्लिश जीके तीनों में 100-100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, टोटल मार्क्स 100 हो गया और पेपर का ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का है। पेपर जो सिविल इंजीनियर है उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 180 होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल क्वेश्चन 360, टोटल मार्क्स 360 होंगे, यानी कि दोनों अगर पेपर को मिला दिया जाए तो दोनों के कितने होंगे आपके 720 मार्क्स हो चुके हैं, ठीक है, दोनों पेपर के, पेपर 1 एंड पेपर 2 के। लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टोटल मार्क्स जो हुए वो 1020+100, ये किस चीज को क्लियर कर देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जब हिंदी इंग्लिश और जीके को अगर मैं काउंट करूंगा तो ये 100 × 3 times, तो 100 × 3 यानी 300 आपके हो चुके हैं, क्योंकि हिंदी के 100, इंग्लिश के 100 और जीके के 100, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे कितना हुआ, दैट इज 360 × 2, कितना हो गया 360 × 2, ठीक है। तो ये फाइनल अगर आप इनको ऐड करते हैं 300 + 720 को, तो ये आपके बन जाएंगे 1020। और W का मतलब मैं हर बार जैसा जो मेरी वैकेंसी के बारे में देखता है उसको पता है कि W का मतलब मैं लिखता हूँ रिटन, ठीक है, और I का मतलब होता है इंटरव्यू, I का मतलब है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के 100 मार्क्स और टोटल मार्क्स जो रिटन के हैं वो है 1020, तो इसका मतलब ये 1120, तो ये मतलब 1120 आपके टोटल मार्क्स हो चुके हैं इंक्लूडिंग द इंटरव्यू। पैटर्न समझ में आ गया, फिलिंग डिटेल्स क्या है, कहाँ से भरना है फॉर्म, सारी चीजें मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दी। अब बात आ जाती है सिलेबस के बारे में। अब देखो हालांकि मुझे इस सिलेबस को भी थोड़ा सा आपको एक आइडिया मैं दे देता हूँ, लेकिन जो वहां पे जो मेनली जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का उसको मैं खास ध्यान दूंगा, क्योंकि 720 मार्क्स में से अकेले 720 का पूरा आपका टेक्निकल पोर्शन है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ज्यादातर टेक्निकल स्टूडेंट का ये जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं वीक होता है, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें काफी जैसे बहुत सारी नोटिफिकेशन तो इस चीज को अच्छे से नहीं दिखाया होता या पूरी डिटेल नहीं दी होती, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से समझा रखा है। लाइक आपको जब हिंदी के बारे में वहां पे बता रखा है तो लिखा हुआ है कि आपको 12th लेवल तक की जो हिंदी है, 12th लेवल तक की जो हिंदी है वही आपको एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है, 12th लेवल तक। देन उसके बाद इंग्लिश के बारे में जो वहां पर लिखा हुआ है तो काफी डिटेल में लिखा हुआ है कि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएंगे, ठीक है, या फिर इसके अलावा पैसिव वॉइस आपके आ सकते हैं, या फिर आपका वर्ब डिस्कशन आपका आ सकता है, टाइम्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में बनेंगे, जिसकी पूरी डिटेल आपको दी हुई है, और अगर इन्फॉर्म जरूरत पड़ेगी तो एक अलग वीडियो इसके हम लोग नॉन टेक की जरूर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जीके की अगर मैं बात करता हूँ तो जीके में देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये वाले पार्ट तो आपके होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा करंट अफेयर, जितनी भी जो भी प्रधानमंत्री जो भी योजनाएं चलाते हैं, जो भी स्कीम्स निकालते हैं, उनके बारे में जरूर आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। GS भी इसमें यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। और लास्ट में लिखा हुआ है इसमें कि कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होती है वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इस GK को कवर किया है कि इसमें वापस होनी चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकती है इसमें, इसके अलावा कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपके नरेशन, पैसिव वॉइस वगैरह, टेंस होते हैं, वर्ब डिस्कशन हो गया आपका, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह हो गए, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में बनेंगे, और हिंदी में 12th लेवल तक का आपका कंटेंट आ सकता है। तो ये बात हुई है यहाँ पे ओनली नॉन टेक वाले पोर्शन की। तो नॉन टेक पोर्शन 300 मार्क्स का है और इसको आप अच्छे से कवर करिए। नेक्स्ट इज सिलेबस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे पेपर जो फर्स्ट एंड पेपर 2 दोनों का मैं सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज ये देखें
कि कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इस जगह पर आपको टॉस दी हुई है लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फोम के बारे में कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। टॉस का पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फोम के बारे में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप फोम पढ़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि टॉस में आपको कई जगह पे बता रखा है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम का IID बनाना है आपको, ठीक है। इसके अलावा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड निकालना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, लेकिन उनको यूज करने के लिए आपको फोम आना बहुत जरूरी है, तभी आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। इसीलिए फोम पढ़े तभी आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिंपल बात उसको साइड में लिख देता हूँ, प्लस फोम आप जरूर उसको पढ़े, अदरवाइज आपको काम नहीं आएगा। और आज से ही क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 9:30 से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद है RCC रेइंफोर्समेंट कंक्रीट। तो ये तीनों जो क्लासेस हैं, तीन क्लासेज यानी कि स्टोन, स्टील एंड RCC, तीनों ही क्लासेज आज से स्टार्ट हो चुकी हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव बैच को फ्री में ऑन जेनिक JEE स्टडी यूट्यूब चैनल, ओके। नेक्स्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, ये आपकी एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद सॉइल, तो यहाँ पे पेपर वन के अंदर 5 पार्ट में दिया हुआ है इसको, लाइक टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर्स, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, फ्लू मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और सॉइल, सॉइल मैकेनिक्स, उसमें फाउंडेशन भी दी हुई है, ओके। नेक्स्ट इज पेपर टू। पेपर टू के अंदर क्या है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन BMC है, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हाईवे और रेलवे के बारे में जिक्र किया गया है सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट इज सर्विंग, सर्विंग के अंदर आपको कुछ पार्ट यहाँ पे जियोलॉजी से रिलेटेड भी दिखा रखा है या फिर जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट है उनसे रिलेटेड भी। नेक्स्ट इज इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ठीक है, इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ FM के साथ में कुछ एक पार्ट जो है वो कैनाल डिजाइनिंग का दे रखा है हाइड्रोलिक वाले पार्ट में, लेकिन उसको हम लोग इरीगेशन, हाइड्रोलॉजी और जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है वहां पे कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो उसको मैंने यहीं पर कहीं कंसिडर कर दिया है, इरीगेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंट से रिलेट करके कैनाल डिजाइनिंग, जो कि यहाँ पे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में दे रखी है, जबकि हाइड्रोलिक जो इंजीनियरिंग है उसमें हम लोग जेट पंप वगैरह इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी और सबसे लास्ट में है आपका एनवायरमेंट, सीवेज डिस्पोजल वगैरह, ये सारी चीजें पॉइंट वहां पे लिखे हुए हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, वो आप टेलीग्राम पे जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हुए हैं, 10 सब्जेक्ट हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इनकी क्लासेस रेगुलरली चल रही है। तो भाई पूरा समझ में आया आपको, यहाँ पे मैंने बताया नंबर ऑफ पोस्ट, एग्जाम फॉर्म की डेट कब से स्टार्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट, इवन मैंने फॉर्म फिलिंग कॉस्ट भी आपको बता दी है, एग्जाम सेंटर कितने हैं, सैलरी क्या होगी, कहाँ से फॉर्म भरना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हिंदी इंग्लिश GK का भी बता दिया और ये भी बता दिया कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू होगा बिल्कुल और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, इसको ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन जब आप रिटर्न क्लियर कर लोगे तभी ये इंटरव्यू आपका होगा। नेक्स्ट इज कि अब मैं फाइनल मुद्दे पे आ जाता हूँ कि भाई आपकी जो क्लासेस हैं उसको आप जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट पॉइंट इज टेलीग्राम, ठीक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स हैं जो आपको सारा कंटेंट वहाँ प्रोवाइड कराएंगे, हैंड रिटन नोट, क्वेश्चन PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सेकेंड इज आपको जेनिक JEE स्टडी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है, जेनिक JEE स्टडी यूट्यूब चैनल जिसपे ये वीडियो आप देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो इस पे आपको ज्वाइन करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 9:30 से आपकी पहली क्लास स्टार्ट होती है मॉर्निंग में और इवनिंग तक आपकी बहुत सारी क्लासेस चल रही है, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको शाम को 8:30 से लेकर 10:30 तक आपको क्लास मिलने वाली है रेनफो सीमेंट कॉन्क्रीट से रिलेटेड, जहां मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता हूँ इन RCC, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है एग्जाम से रिलेटेड, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाके आप देखें कि कितनी सारी क्लासेस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा क्रैश कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कल ही हमने उसको लॉन्च किया है। तो फॉर दिस वे थैंक यू सो मच आज के लिए, और नेक्स्ट वैकेंसी जो होगी उसके बारे में मैं आपको इसी तरीके से न्यू लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस के अंदर क्रैश कोर्स।